अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 वेरिएशंस की एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं वो करवाऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं सवाल में कि प्रूव दैट ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। हमें प्रूव करना है ए रेशो बी सी बराबर है सी रेशो डी के। इस ये जो सवाल में दिया है इन्होंने, इसको प्रूफ करना है। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी तो हमें इसको ये बनाना है, ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी बना के प्रूफ करके बताना है इनको, ठीक है। सवाल दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए सी माइनस बी डी रेशो ए सी प्लस बी डी। सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर सबसे पहले सवाल कॉपी किया, उसकी सवाल कॉपी करने के बाद हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या किया, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे मेथड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये वैल्यू एक बार हमारे पास प्लस में और एक बार माइनस में आ गई। जैसे कि हमारे पास ऊपर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, उसके बाद प्लस। नीचे जो था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू एक बार प्लस में बन गई। उसके बाद अब हमें माइनस में चाहिए, तो हमने लिखा अपॉन, हमने लिखा पहले हमारे पास थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया माइनस, अब प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया माइनस। नीचे क्या थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया यहाँ पे। तो हम इस तरीके से हमारे पास एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार वैल्यू माइनस में आ गई। दूसरे के साथ भी हमने यही गाना है, ए सी माइनस बी डी, एक वैल्यू थी हमने पहले ए सी माइनस बी डी को लिखा, उसके बाद प्लस ए सी प्लस बी डी लिखा, ए सी माइनस बी डी लिखा, उसके बाद माइनस ए सी प्लस बी डी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है कि माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब हमने यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे माइनस वो प्लस माइनस की जो चीज़ें हैं उनको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का बी डी प्लस का बी डी से कैंसिल हो गया, माइनस का ए सी प्लस के ए सी से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस करके टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस करके टू बी स्क्वायर, ठीक है, ए सी प्लस वो टू ए सी, बी डी माइनस का टू बी डी क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस बी डी प्लस बी डी, तो यहाँ पे माइनस का बी डी आ गया। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी और बी डी बच गया। एक ए से दूसरा ए कैंसिल हो गया, या एक ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल, बी स्क्वायर से एक बी कैंसिल, बच गया ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। इसको रेशो में लिख लें, ए रेशो बी और सी रेशो डी, आपका ये आ गया। और आपको उससे बोला था कि यही प्रूफ करें, ए रेशो बी सी रेशो डी प्रूफ करें, तो ये आपने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया और लिख दिया हैंस प्रूफ्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में बोल रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी बराबर है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब इसको आप प्रूफ करके दिखाएं, ठीक है। तो ये प्रूफ कैसे होगा, हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सवाल कॉपी किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सवाल ही कॉपी करना है, सवाल कॉपी किया फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो मेथड इस्तेमाल करना है इन सवालों में। तो हमने इसमें भी बाई यूजिंग कंपोनेंडो डिवेंडो मेथड इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक वैल्यू उतारी, उसके बाद प्लस दूसरी नीचे वाली जो वैल्यू, दूसरी जो आपके पास वैल्यू होगी ना वो नीचे वाली वैल्यू होगी। तो पहले हमने ऊपर वाली उतारी, उसके बाद प्लस नीचे वाली वैल्यू उतारी, उसके बराबर का जो ब्रैकेट है उसको छोड़ दीजिएगा, वो कोई नहीं होगी। सबसे पहले एक वैल्यू को आपने इस्तेमाल करना है, पहले ये पूरी जो ऊपर अपॉन में है ये पूरी आपके पास एक वैल्यू है। सबसे पहले आपने एक वैल्यू ली ऊपर वाली, या कि बस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की है, उसके बाद प्लस नीचे वाली वैल्यू ली ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी दूसरी वैल्यू आ गई। उसके बाद ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के साइड का दूसरी साइड की वैल्यूज़ हैं, उनको अभी नहीं लेना है, आप इसके साथ ना मिला दीजिएगा गलत हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी एक आपके पास यहाँ पे आ गई, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक वैल्यू आ गई, माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी दूसरी वैल्यू आ गई। दूसरी साइड की वैल्यू से साथ भी ये करना है, पहले आपने एक वैल्यू लिखी, उसके बाद प्लस नीचे वाली दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू लिखी अपॉन करके माइनस दूसरी वैल्यू, उसके बाद क्या करना है आपने प्लस माइनस को इन ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास ए प्लस ए आ जाएगा, प्लस 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 का बी, प्लस माइनस का सी, प्लस माइनस का डी,
ठीक है, माइनस का ए, प्लस माइनस माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस का सी, माइनस माइनस प्लस का डी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का ए, माइनस माइनस प्लस का बी, माइनस माइनस प्लस का सी, माइनस माइनस प्लस माइनस का डी, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई होगा उसके बाद प्लस माइनस किसी से कैंसिल कर देंगे, प्लस का सी माइनस किसी से कैंसिल हो गया, प्लस का ए माइनस के ए से कैंसिल हो गया, प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल हो गया, इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस का सी माइनस किसी से कैंसिल हो गया, माइनस का डी प्लस का डी से कैंसिल, प्लस का ए माइनस के ए से कैंसिल, माइनस का बी प्लस का बी से कैंसिल, यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई। उसके बाद आपके पास बचा अब एक ए और एक ए बचा, तो प्लस करके टू ए आ गया, बी और बी बचा तो टू बी आ गया, सी और सी बचा तो टू सी आ गया, डी और डी बचा तो प्लस का टू डी आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ए और ए बचा प्लस का टू ए आ गया, माइनस का बी और माइनस का बी बचा तो माइनस का टू बी आ गया, प्लस का सी बचा प्लस का टू सी आ गया, माइनस का डी बचा माइनस का टू डी आ गया। देन टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, सब जगह टू से टू कैंसिल कर दिया आपने। उसके बाद ए प्लस बी सी प्लस डी बच गया, ए माइनस बी सी माइनस डी बच गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या किया, ये ए प्लस बी सी माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा और ए माइनस बी सी माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ नीचे वाले स्टेप में ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट्स में लिखा है ये मैंने, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमने नीचे वाले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी प्लस ए प्लस, अब ये ए जो है डी से मल्टीप्लाई होगा माइनस के डी से, तो प्लस माइनस 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 का ए डी, ठीक है। प्लस का बी सी, ये बी सी से मल्टीप्लाई होगा, अब ये बी जो है डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस का बी डी हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ए सी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए डी से मल्टीप्लाई हुआ, बारी बारी एक एक से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बी सी से हुआ, बी डी से हुआ, यहाँ इस तरीके से। यहाँ पर भी पहले ए सी से होगा तो प्लस प्लस सी ए सी, प्लस का ए सी। उसके बाद ये ए डी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 और ए डी, प्लस का ए डी। अब ये माइनस का बी है, माइनस का बी प्लस किसी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस का बी सी। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस का बी डी, ठीक है। अब क्या करना है कि ये यहाँ जितनी भी वैल्यूज है ये सारी आपके पास उस तरफ चली जाएंगी, जब ये उस तरफ चली जाएंगी तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और ये वैल्यूज़ के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी प्लस का था तो ये माइनस में चेंज हो गया, प्लस का इसी माइनस में चेंज हो गया, प्लस का ए डी था माइनस का ए डी हो गया, माइनस का बी सी था प्लस का बी सी हो गया, माइनस का बी डी था प्लस का बी डी हो गया। देन उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि प्लस माइनस सारे कैंसिल आउट हो गए, प्लस का ए सी माइनस के ए सी से कैंसिल हो गया, माइनस का बी डी प्लस का बी डी से कैंसिल हो गया, बचा माइनस का ए डी माइनस का ए डी, माइनस का ए डी माइनस का ए डी, मैंने साथ करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। माइनस का ए डी साथ करके लिख दिया, प्लस का बी डी बचा था, प्लस का बी सी बचा था, प्लस का बी सी और प्लस का बी सी बच गया, लिख दिया। अब यहाँ पे ए डी एक तरफ रह दिए और माइनस का बी सी एक तरफ कर दिए, इज इक्वल्स चुके हैं, ठीक है। अब जब ये एक तरफ कर दिए तो दो आपके पास प्लस के माइनस के ए डी थे, तो यहाँ पे हमने टू माइनस का टू ए डी लिख दिया और यहाँ पे माइनस का टू बी सी लिख दिया, ठीक है। ये डिवीजन में चले गए नीचे और यहाँ पे ज़ीरो बच गया, फिर से माइनस कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बच गया, ए डी अपॉन बी सी बच गया। आपने सी को उस साइड पे भेज दिया तो ये ए डी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी बच गया, ठीक है। यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा, और अगर आप इसका रेशियो लिखें तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी, और ये आपको प्रूफ करना, तो ये आपका हैंस प्रूव्ड आपने अब लिख दिया, यानी कि ये प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।